सभी यूजर्स यहाँ पर काफी बड़ा अमाउंट अर्न करने वाले हैं, क्योंकि आज बात करने वाले हैं ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिस एप्लीकेशन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, और मैं आज उस एप्लीकेशन का अनलिमिटेड ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप लोग काफी बड़ा अमाउंट अर्न कर पाएंगे। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को मिस करते तो आप काफी बड़ा अमाउंट अर्न करने से चूक सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाएंगे और आप किसी भी एप्लीकेशन को फटाफट लूट पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज बात करने वाले हैं coinSwitch एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन के बारे में सभी कोर को पता होगा, बट मैं आपको इस एप्लीकेशन का अनलिमिटेड ट्रिक बताऊंगा अपने की वीडियो के माध्यम से, जिसमें आप लोग काफी बड़ा अमाउंट अर्न कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, फटाक से जाइए और डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने का जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली सा अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके नंबर पर एक छोटा सा ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको 4 डिजिट का यहाँ पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आप 4 डिजिट का कोई सही एक पासवर्ड बना लीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, लोडिंग लेगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 50 रुपीज़ यहाँ पर मिल चुके हैं। अगर आप लोग को यहाँ पर 50 रुपीज़ शो नहीं हो रहे हैं तो आप उस नंबर को हटाकर दूसरे नंबर से क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 0 शो हो रहा है तो आपको 50 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर साइनअप में ही 50 रुपीज़ दे दिए जाते हैं। और आप काफ़ी सारी अर्निंग मैं बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। इसका सिंपली सा आप लोग को यहाँ पर 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं देखने को, यहाँ पर होम, प्रॉफिट, मार्केट एंड प्रोफाइल का। तो सिंपली सा प्रोफाइल वाले सेक्शन में यहाँ पर क्लिक करना है, आपको नीचे के साइड में प्रोफाइल वाले सेक्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर यूज़र वेरीफिकेशन में आपको सिंपली सा टैप करना है। यूज़र वेरीफिकेशन में टैप करने के बाद आपको यहाँ पर बोला जाएगा आप अपनी KYC को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर आप घबराने की बात कोई नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं आप लोग यहाँ पर इजीली KYC कर पाएंगे। सिंपली से आप लोग को यहाँ पर बेसिक डिटेल डालनी है अपनी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है, या पैन कार्ड है आधार कार्ड नहीं है, तो आप किसी भी एक पैन कार्ड की, किसी का भी, आपके पड़ोस दोस्त किसी का भी हो, आप उसके पैन कार्ड आधार कार्ड की वाइट पेपर के ऊपर रख कर अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर लीजिए और दूसरे फ़ोन से स्कैन कर लीजिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो सिंपली सर जिसका भी आप पैन कार्ड लगाएंगे उसका ही डिटेल यहाँ पर डालें। तो सिंपली सर देख सकते हैं यहाँ पर आप नेम डाल लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ एंड ईमेल आईडी जैसे ही डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद वेरीफिकेशन में क्लिक करेंगे तो आपके मेल पर एक मेल जाएगा, उस मेल का OTP आप लोग को डालना है एंड मेल वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद जैसे ही मेल वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर पैन डिटेल डालने में पैन कार्ड की डिटेल डालनी होगी। तो पैन कार्ड डिटेल डालने के लिए सिंपल से पैन कार्ड में क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट बोला जाएगा, नेक्स्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ इस तरीके का आपको पैन कार्ड स्कैन करके डालना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, कंटिन्यू में क्लिक करना है एंड कैमरा को अलाउ करना है एंड सिंपली सा कैमरा आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ, फ़ोन में फ़ोटो जो क्लिक किए हों आप किसी भी पैन कार्ड का, तो आपको फ़ोन से ही स्कैन करना है एंड पिक खींच के अपलोड कर देना है एंड बैक साइड के भी अपलोड कर देना है, बट वो वाइट पेपर के ऊपर रखे खींचिएगा, जिससे आप लोग का प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद जैसे ही पैन कार्ड सबमिट कर देंगे तो आपको कुछ वेट होगा एंड यहाँ पर आपको थर्ड जो ऑप्शन है आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन, उसमें क्लिक करना है एंड उसी नाम का आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड हो उसको आपको लगा देना। सिंपली आधार कार्ड में क्लिक करना है, यहाँ भी आप लोग को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको भी सिंपली सा एक मोबाइल से ही मैंने ये पिक्चर कलेक्ट किया है, तो सिंपली सा मोबाइल से ही स्कैन करना है एंड सिंपली सा आपको बैक साइड के भी करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि अपना फेस की फ़ोटो खींचिए, तो आप यहाँ पर किसी भी फेस की फ़ोटो खींच कर डाल सकते हैं, अपने ही फेस की फ़ोटो खींच कर डाल सकते हैं, आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली से सेल्फी लीजिएगा और कंफर्म कर दीजिएगा, आपकी जो KYC है कुछ इस तरीके की रहेगी एंड सारी के सारे आपके सबमिट हो जाएगी। अब मैं आपको एप्लीकेशन में जाके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपनी KYC मैंने यहाँ पर कंप्लीट करके रखी है, तो किस तरीके से किया है, यहाँ पर कितनी सारी अर्निंग की है आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दिखाना भी चाहूँगा और आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा किस तरीके से आप लोग को इस एप्लीकेशन में अर्निंग होने वाली है। तो ये थोड़ा सा वेट लेगा और ये ओपन हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने
सॉरी 1458 रुपये इसकी अर्निंग की है। तो देख सकते हैं सिंपली सा आप यहाँ पर वेरिफिकेशन में जैसे क्लिक करता हूँ और एंड वेरिफिकेशन में जाता हूँ, देख सकते हैं मेरी यहाँ पर जो KYC है 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रैच कार्ड दिखेगा कुछ इस तरीके का। इस स्क्रैच कार्ड में आपको क्लिक करना है एंड स्क्रैच करना है। जैसे ही स्क्रैच करेंगे तो आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ दे दिए जाएंगे, 50 रुपीज़ दे दिए जाएंगे। अगर आप किसी को रेफ़र भी करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ ईजिली मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे 50 रुपीज़ कमाए हुए हैं जो बिटकॉइन में होते हैं, और बिटकॉइन का रेट 50 से 100 रुपीज़ भी हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 653 रुपये के बिटकॉइन पड़े हुए हैं, और ये बिटकॉइन का अभी जो रेट है मुझे लॉस में चल रहा है। जैसे ही ये मुझे प्रॉफिट देगा मैं इसे बेच दूंगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी अर्निंग की है। यहाँ पर शेयर करके भी आप लोग 50 रुपीज़ की अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली से मैं होम वाले सेक्शन में चले जाता हूँ और आपको ये मनी विड्रॉल किस तरीके से करना है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो सिंपली से यहाँ पर आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में जाना है। सेकेंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको बिटकॉइन में क्लिक करना है। बिटकॉइन में क्लिक करने के बाद सेल नाउ वाले सेक्शन में क्लिक करना है एंड यहाँ पर 100% का ऑप्शन दिया हो तो 100% में क्लिक करना है। जितना भी आपका अमाउंट होगा और प्रोवाइड सेल में क्लिक कर देंगे तो आपका जो अमाउंट है पूरी तरीके से सेल हो जाएगा और आपका जो रुपीज़ है इंडियन रुपीज़ में यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर विड्रॉ वाले सेक्शन में क्लिक करना है एंड जितना भी आप विड्रॉ लगाना चाहते हैं यहाँ पर अमाउंट डालना है 100 रुपये 200 रुपये, जितना भी जो मिनिमम विड्रॉल होता है यहाँ पर 100 रुपीज़ का लगता है तो आप 100 रुपये का विड्रॉल मिनिमम लगा सकते हैं। विड्रॉल लगाना है एंड सिंपली से विड्रॉ करना है। इसके बाद विड्रॉ करने के से पहले आपको बैंक डिटेल जो डालनी होगी यहाँ पर डालनी होगी प्रोफाइल वाले सेक्शन में एंड यहाँ पर बैंक प्रोफाइल का ऑप्शन, बैंक डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ बैंक डिटेल डाल लेनी है। तो आपको सारी अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करके एडिट कर लेनी है। इसके बाद आप यहां पर रेफर एंड अर्न करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।